नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतु आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ एक नया बिजनेस आइडिया। जैसे कि हम आ चुके हैं ASP इंजीनियरिंग कंपनी में, आपको तो पता ही होगा यहाँ पे अनेकों प्रकार की मशीनें मिल जाएंगी आपको लघु उद्योग से रिलेटेड, जिससे आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज एक नया बिजनेस आइडिया हम लेकर आए हैं, जिसमें हमारी एक मैम है, मेनका मैम, वो आपको आगे बताएंगी कि आज कौन सी मशीन की जानकारी देंगे। जी मैम बताइए, आज कौन सी मशीन की जानकारी देंगे आप हमें? नमस्कार साथियों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा बिजनेस जो 12 महीने चलता है, जो हमारे दिनचर्या से रिलेटेड है। सुबह शाम जो आप लोग दिया बाती करते हैं, उसमें जो अगरबत्ती का आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो अगरबत्ती बनाने का ही मशीन या बिजनेस मैं लेकर आई हूँ। आपको दिखाना चाहती हूँ हमारा अगरबत्ती जो अगरबत्ती बनता है, उसका पहला मॉडल जो है हमारे पास वो है मैनुअल मॉडल है। ओके तो यहाँ पे जो है वो पूरा हॉपर लगता है जी, ये मैनुअल आप हाथ और पैर से इसको ऑपरेट करते हैं। अच्छा, इसका जो प्रोडक्शन है वो टोटली इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कितना अगरबत्ती पर आवर में या एक दिन में बना सकता है। अगर कोई तंदुरुस्त आदमी होगा तो वो एक दिन में काफी अगरबत्तियां बना लेता है, क्योंकि ये मैनुअल है तो इसका प्रोडक्शन हम पे डिपेंड नहीं करता या मशीन पे डिपेंड नहीं करता है, टोटली उस इंसान पे डिपेंड करता है कि जो इसमें काम कर रहा होता है। सेकेंड मशीन जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, फुली ऑटोमेटिक मशीन, जिसमें हमारे पास दो मॉडल है, एक तो इंडियन ब्रांड है और एक है वियतनाम वाला। तो अभी जो हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे सैंपल के तौर पे हमने जो रखा हुआ है वो वियतनाम वाला हमने रखा हुआ है। मैं आपको बोलती हूँ थोड़ा मशीन को दिखाइए जी। तो इसका जो पर आवर का प्रोडक्शन है वो 10 से 12 kg है, बल्कि 10 से 12 kg एक घंटे में आराम से आप अपना मटेरियल बना सकते हैं। जी मैम, तो ये हमारा वियतनाम मॉडल है, इसमें जो दूसरा आप बता रहे हैं इंडियन मॉडल, वियतनाम मॉडल और इंडियन मॉडल में अंतर क्या है मैम, डिफरेंस क्या है इनमें? देखिए, इसमें दोनों में डिफरेंस प्रोडक्शन का होता है, क्वालिटी का होता है जी। और जो आपका जो इंडियन मॉडल है, इसका जो प्रोडक्शन है पर आवर का वो 6 से 8 kg है। अच्छा, अगर आप वियतनाम वाला लेते हैं तो 10 से 12 kg इसका प्रोडक्शन है जी। इसमें जो है आपका वियतनाम मॉडल में ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है, स्टिक्स ब्रेक डाउन नहीं होती, मटेरियल का कोई ज्यादा खराबी नहीं आती है इसमें। ओके अच्छा, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं अगरबत्ती मशीन के रॉ मटेरियल के बारे में। तो बताइए मेनका मैम कि इसमें क्या क्या यूज होता है अगरबत्ती, एक प्रॉपर अगरबत्ती बनाने के लिए क्या क्या हमें प्रोसीजर चाहिए रहता है, स्टिक वगैरह जो भी है? इसमें जो पहला आपका आता है वो आता है प्रीमिक्स पाउडर। ओके तो प्रीमिक्स पाउडर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, हमारे पास जो है दो तरह के प्रीमिक्स पाउडर है, ब्लैक एंड व्हाइट वाला। अच्छा, तो ब्लैक वाला इस तरह से होता है जी, ठीक है। इसी में अगर आप व्हाइट वाला लेते हैं तो व्हाइट वाला इस तरह से होता है जी। ओके ये देखिए, ठीक है, ये दोनों पाउडर यूज होते हैं हमारे, व्हाइट प्रीमिक्स एंड ब्लैक प्रीमिक्स। ओके उसके बाद जो आता है वो आता है जोश पाउडर। जोश पाउडर, अच्छा, जोश पाउडर का क्या काम होता है मैम? ये जो आपकी अगरबत्ती में चिंगारियां निकलती है जो जलता है, उसका जो काम होता है वो जोश पाउडर का ही होता है। अच्छा, मतलब जलाने का काम करता है ये। हाँ जी, और गरगम का काम होता है जो आपकी अगरबत्ती को चिपका के रखता है। ओके, अगरबत्ती को स्टिक करके रखता है, मतलब वो गिरता नहीं है, सूखा होता है तो झड़ता नहीं है। उसके बाद जो आता है, देखिए इस तरह से बैम्बू स्टिक्स होती है, जिस तरह से बनके तैयार होता है आपका जी, उसमें बैम्बू स्टिक यूज होती है जो कि नॉन पॉलिटिक होती है। ओके, मतलब ये पॉल्यूशन नहीं फैलाती है। हाँ जी, हाँ जी। ओके, एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है ये बैम्बू स्टिक्स। तो इसमें मैम, जैसे एक स्टिक का कलर ब्लैक में है, एक का रेड है, तो ये कैसे होता है? इसमें जो कलर्स आते हैं वो अलग अलग तरीके तरह के कलर आते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे दो, एक ब्लैक है एक व्हाइट है, इसी में ग्रीन आता है, पर्पल आता है, अलग अलग कलर अलग अलग शेड आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको, उसके बाद जो आपका आता है वो आता है परफ्यूम का। इसमें आपको क्या करना होता है, जब आपका अगरबत्ती बन जाता है तो परफ्यूम को आपको इसमें डीप करके रखना होगा। ओके, उसके बाद जो आपकी फ्रेग्रेंस आती है अगरबत्ती में वो बन के तैयार हो जाती है, एक प्रॉपर अगरबत्ती। ओके, मतलब जैसे कि गुलाब वाला है तो गुलाब का अलग होगा, चंदन का अलग होगा, वैसे बोल रहे हैं आप? अलग अलग इसमें परफ्यूम्स आते हैं, अलग अलग शेड आते हैं। ये परफ्यूम कितना लीटर आता होगा, मतलब क्या कॉस्ट पड़ता होगा इसका पर लीटर के हिसाब से? इसका जो पर लीटर का कॉस्ट पड़ता है वो 400 से 4000 तक लीटर पड़ता है। ओके हाँ जी। जी मैम, तो बताइए ये जो अगरबत्ती बनाने का, तो चलो हमें बता दिया आपने, अभी पैकिंग का क्या फॉर्मेट होता है इसका? पैकिंग का जो फॉर्मेट होता है वो इस तरह से होता है कि कुछ आपको इस तरह से पन्नी दिखी होगी, मार्केट में देखते ही होंगे आप। ओके हाँ जी, पन्नियों में आप पैक करके अगरबत्ती बेच सकते हैं, ठीक है। इसके प्लास्टिक के जो होता है पीसेस होते हैं जी, ये आते हैं 30 पैसे से 1 रुपए तक का पीसेस आते हैं। ओके ठीक है, इस तरह से ये देखिए,
जी ठीक है, ये लोकल सारे ब्रांड हैं। बाकी अगर बॉक्सेस की आप बात करते हैं तो बॉक्सेस में हमारे पास इस तरह से बॉक्सेस होते हैं, ये देखिए ओके, जिसका कि 80 पैसे से लेकर 3 रुपए तक का रेट होता है। अच्छा, ये आपको मतलब हमें और भी कई प्रकार के मिल जाएंगे, चाहे गुलाब हो, मोगरा हो, चंदन हो, बिल्कुल बिल्कुल, जो आपके लोकल ब्रांड होते हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। बाकी इसका अगर आप खुद से ब्रांड बनाना चाहते हैं अपने नाम से या आपके बच्चों के नाम से, किसी भी नाम से आप अगर खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं तो वो भी हम उसकी सुविधा भी आपको यहीं से उपलब्ध करा सकते हैं। जी हाँ जी जी मैम, तो ये तो हाँ अगरबत्ती बनाने का तो हो गया, बाकी अब इसका प्रॉफिट मार्जिन के बारे में थोड़ा बताइए, कितने में कितना मुनाफा हो जाएगा हमको। पहले मैं आपको बताती हूँ इसके कच्चे मटेरियल के बारे में, जो आपका एक केजी बन के तैयार होता है वो होता है 40 से 45 रुपए में। अच्छा, वहीं पे आप इसको अगर होलसेल में जाके बेचते हैं तो 70 से 80 रुपए केजी ये बिक जाता है होलसेल। ओके, होलसेल। बाकी इसका पैकेजिंग करके, अगर पैकेजिंग करके आप बेचना चाहते हैं तो ये प्रॉपर डिपेंड करता है आपके मार्केटिंग एरिया में वहाँ पे क्या रेट चल रहा है, वो टोटली आपके मार्केट एरिया पे डिपेंड करता है। ओके, मतलब आपका अगर हम कच्चा मटेरियल लेंगे तो 40 से 45 में हम कर सकते हैं बना के, सेल आउट हो जाएगा वो 70 से 80 में। हाँ जी, ठीक है, आपको पूरा मार्जिन मिलता है, 30 से 40 रुपए का आपको प्रॉफिट होता ही होता है। अच्छा, तो मतलब देख लीजिए साथियों, अगर आप अगरबत्ती मशीन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो आपको कम से कम 70 से 80% का तो प्रॉफिट होगा ही होगा, और बाकी प्रॉफिट मार्जिन आपके मार्केट एरिया पे डिपेंड करता है, आपके हर जगह के अलग अलग रेट होते हैं उस पे डिपेंड करेगा, आप ऐसे पाउचेस भी करो। बाकी की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, जो कि है नागलोई रेलवे मेट्रो स्टेशन के पास में सोनिया हॉस्पिटल होगा, उसके बगल में एक पहली गली होगी गुलशन पार्क वाली गली, जी के अंदर हमारा ऑफिस है, हमारे ऑफिस में आइए विजिट करिए, मशीन की आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जी मैम, तो हमने मशीन के बारे में तो सभी जानकारी ले ली, बाकी अब मशीन इसका वारंटी गारंटी पीरियड क्या होता है उसके बारे में बताइए थोड़ा। इसका जो वारंटी पीरियड है 1 ईयर का होता है, बाकी आपको जो सर्विस दी जाती है वो 5 साल की सर्विस दी जाती है आपको फ्री। अच्छा, 1 ईयर की वारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग। हाँ जी, मतलब 1 ईयर वारंटी में जो भी पार्ट्स वगैरह में कुछ भी दिक्कत आ गया तो वो चार्जेस किसके होंगे, हमारे होंगे या आपकी साइड से होंगे? कंपनी की तरफ से ही आपको चार्जेस होंगे, वो आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ट्रेनिंग का भी कुछ होता है मैम, जैसे अब मशीन जाएगा तो हमारे क्लाइंट्स को पता नहीं होगा, तो हम आपकी तरफ से कोई जाता है इंजीनियर जो ट्रेनिंग देता है प्रॉपर क्लाइंट्स को मशीन के बारे में? हाँ जी मैम, इंस्टॉलेशन के लिए हमारे यहाँ से इंजीनियर जाता है जो कि आपको 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग देता है, प्रॉपर आपको प्रोडक्शन करके दिखाता है, कैसे उसमें प्रोडक्शन करना है मशीन में वो सारा आपको बताता है, केमिकल्स फॉर्मूले जितने भी हमारे होते हैं वो सारे आपको बताता है। ओके, मतलब हमारा इंजीनियर जाएगा, उसके कोई चार्जेस नहीं लगते मैम, फ्री ऑफ कॉस्ट में? चार्जेस नहीं लगता है, बाकी उसका जो ट्रैवल का चार्ज होता है वो आपको देना होता है, आने जाने का खर्चा उसको देना होता है। ओके, बाकी गेस्ट आपके घर पे आता है तो उसका जो होता है खाने पीने का तो सभी करते हैं तो वो आपको करना है, बाकी एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं लेगा वो। ओके ठीक है, ओके मैम, ओके थैंक यू। चलिए दोस्तों, मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगर आपको मेरा बिजनेस आइडिया अच्छा लगा हो तो इस बारे में सोच विचार जरूर कीजिएगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियोस आपको कंटिन्यू मिलते रहे। नमस्कार साथियों, मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ।